पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुंडा पांडे पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 20 मई को शराब के ठेके में हुई चोरी की घटना का मुंडा पांडे थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। देशी शराब की दुकान में नकाबबाजी करके चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन शातिर चोरों को मुंडा पांडे थाना पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने रिजर्व पुलिस लाइन्स में प्रेस वार्ता कर चोरी की इस घटना का खुलासा कर दिया। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के गांव रोल्डा झोंडा में 20 मई की रात को नकाब लगाकर देशी शराब की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपी भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव गोदी के रहने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने 2.5 लाख रुपए की कीमत की चोरी की शराब बरामद की है। जनपद क्षेत्र में चोरी की जो वारदातें हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में थाना मुंडा पांडे पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। इनके यहाँ 20 मई को रोंडा झोंडा चौकी क्षेत्र में एक शराब के ठेके में नकब लगा के और शराब की पेटियाँ चोरी हुई थी। करीब 62 पेटी चोरी हुई थी और 5 पेटियाँ दूसरे ब्रांड की शराब की थी। कुल मिला के करीब 2.5 लाख के आसपास कीमत की शराब थी। इसमें हमारी मुंडा पांडे पुलिस और सीओ हाईवे के नेतृत्व में इसमें काम किया गया और इसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है। और इसमें तीन जो अभियुक्त हैं जिन्होंने ये चोरी की थी उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से 22 पेटी शराब जो चोरी की शराब थी जो ठेके से चोरी हुई थी उसे बरामद किया गया है। इन्होंने जो नकब लगाया था उसका एक जो औजार है संबल वो भी बरामद हुआ है। और इसमें एक अन्य व्यक्ति जो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है रंजीत नाम है उसका। ये लोग ग्राम गोदी थाना भोजपुर के रहने वाले हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उसमें कमल सिंह ये गोदी थाना भोजपुर का है, जयप्रकाश और टिंकू ये चक बेगमपुर थाना भोजपुर का है और राजेश कुमार ये भी चक बेगमपुर का है। इस प्रकार एक ये महत्वपूर्ण सफलता है जो मुंडा पांडे पुलिस को मिली है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उनको 10,000 रुपये के इनाम की भी घोषणा की गई। क्या और भी अभी इसमें और इनके साथ साथ और कौन लोग हैं इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। इनका पूरा ग्रुप पूरा गैंग जो है उसकी जानकारी की जा रही है और सभी के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। जैसे मैंने बताया जो शराब चोरी हुई थी वो लगभग 2.5 लाख की थी जिसमें से लगभग 1 लाख के आसपास का माल बरामद किया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कुछ नहीं? अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कई बार लोग बचते रहते हैं और घटनाएं करते रहते हैं। अभी इनसे विस्तार से पूछताछ भी की जा रही है और इसके अतिरिक्त जनपद के अतिरिक्त इन्होंने और कहाँ कहाँ से घटनाएँ की हैं ये भी देखा जा रहा है। इसमें जो अभियुक्त है जयप्रकाश ये पूर्व में भी थाना भोजपुर से जेल जा चुका है 2017 में। इस प्रकार ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, पहले से ये लोग घटनाएं करते रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।